प्रथम सोपान बालकान बाणा नाम थ साघा नाम रसा नाम छंद सामापि मंगला नाम चा कतारो बंदे बाणी विनायको अक्षरो भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो यभ्या बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थिमेश्वरम वंदे बोधमय नित्य गुरु शंकर रूपिणम यमाशितो हि ब्रको अपि चंद्र सर्वत्र बंदते। सीता राम गुड़ ग्राम पुण्य रण विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्धव स्थिति संघार कारिणी कलेश हारिणी सर्वशेष संकरी सीता नतोहम राम बलभाम यन्मयवशवर्ती विश्व मखिलम भ्रमादि देवासुरा यस सत्वात मुझे भाति संकल रज्जो यथार्थे भय यत पाद अलमेव मेक में भी भवाम स्थिति दृशावर्ताम वंदेयम तम शेष कारण पर रामाख्याधीशम हरियम। अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करती हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सवस्त्र बंधित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करती हूँ। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा श्री सीता जी और को नमस्कार करती हूँ, जिनकी माया के वंशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करती हूँ। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र में से संबंध तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अनंतर से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। Thank you.
जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गुणों के स्यामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राची और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के फूजपु और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम है और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। गुरु वंदना। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करती हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। के चरण कमल की वंदना करती हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करती हूँ जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सु कृति रूपी शिवजी जी के शरीर पर शोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और अनंत की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी माड़ी और माड़ी के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस स्थान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं, ओ
गज कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी की देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की ठोंडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषा शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस के है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशुद्ध है और कपास भी गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के चित्रों दोषों को ढकता है जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध या करो या ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तन्या यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय पट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वसंत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बुगले हंस, यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे क्योंकि
सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन में चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जितने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की बाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सुख चाहती है। हम उससे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्र भाव के समान वीर हैं। दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, तथा जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। दो तेज दूसरों को जगाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण
रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी प्रति सभी के हित का नाश करने के लिए ये केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही भी ये दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेर जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराए दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथ्वी, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मद्रा नीचे हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानी अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी ब्रज सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर या जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। कभी नहीं चुकेंगे, कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? अब मैं संत और संत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारु दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, परंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदरा के समान मोह प्रमाद जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र ही एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदरा दोनों ही की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और ईजा करने वाला व्याद इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही करण करता है, और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में ही होती है, और विष की मारने में। Oh,
भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए जाता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पूर्ण दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा क्रम नाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई सुरग नरक अनुराग वैराग्य सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विवाह कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विष को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाया देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निपटता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवन और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है, सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच नीचे रहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं
काली कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही और पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। या गय शब्दी जल वायु और वस्त्र ये सब ही कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत में एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम मैं जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करती हूँ। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करती हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। चौरासी लाख योनियों में चार प्रकार के संविदज अंडज उद्भिज जरायुज जीव जल पृथ्वी और प्रकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को मैं श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति में कविता की महिमा, मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान, आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करती हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहती हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कमाल के कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाहे बड़ी ऊँची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन ने छिदाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक सब जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु कूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, था जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। रसीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे के रचना को सुनकर हर्षित होते हैं ऐसी उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं अर्थात अपनी उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमर पड़ता है।
मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कटोरी कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपिये को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं, जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योगी है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझी है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता की भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से हास काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझमें नहीं है, या मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सच सच कहता हूँ, मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उसको सुनेंगे।
प्रहलाद जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की बातें गुड़ को ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यदि भी मेरी रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया, दुआ भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, मेरी कविता अवश्य बनती है, परंतु इसमें जगत कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इसे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस पद्य कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। फिर भी श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहानी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय हो लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर मंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता व्युत्पन्न और कही होती है और शोभा अनंतर कही जा पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रसार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने की व थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं।
जिसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेच कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरो कर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और बेज हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धीगा धीगी करने वाले धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की गिनती को समझ कर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंकाल हैं। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ जो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान हुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझ कर कथा रचने में मेरा मन बहुत झिझकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता
को सब ऐसी अकथनी ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो जन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के पड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी कई भी वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब नवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्यामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी शेष नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी नदियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहानी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि के सुयश वर्णन किया है। कवि वंदना
मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करती हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करती हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर सबका अनंत कल्याण करने वाली ही ये है, परंतु मेरी कविता भक्ति है या असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे मन में सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहानी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसीलिए बार बार निहुरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूँ। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बाला की बीति सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। वाल्मीकि वेद, ब्रह्मा, देवता, शिव, पार्वती आदि की वंदना, मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है। जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते सपने में भी खेत थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हुई। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी और हेम नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। मैं श्री महेश और पार्वती की मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं।
जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्यामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं, जिन श्री पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शापर मंत्र समूह की रचना की। इन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिवजी जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। उमापति शिवजी जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को अनंत और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिवजी जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिवजी जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम से तैन सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के बागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिवजी जी और पार्वती जी के सपने में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सब सच हो। पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी प्रीति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों से राजा दशरथ जी को पूर्ण सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और क्रम से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रच कर ब्रह्मा जी ने भी बड़ी बढ़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की अंपा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने सारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। Thank you.
मैं परिवार सहित राधा जानक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गुण प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों, में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले तन के समान हुआ, जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं श्री रघुनाथ शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष वाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। सुग्रीव जी, ऋषियों के राजा जामबन जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना बानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रीतिमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। फिर मैं उन मन वचन और क्रम से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व सर्वचरण कमलों की वंदना करता हूँ। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है, उन श्री सीताराम जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। Thank you.
नाम बंदन और नाम महिमा। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि भानु सूर और खीम का चंद्रमा का हेतु अर्थात रा आ और माँ रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र हैं जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं, आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जब कब पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। राम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रता में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया तथा उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवा का धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। मधुर और मनोहर है, जो बड़माला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। ये दोनों अक्षर नरनारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का वर्णन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति मोच रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनसे ये एक रकार छत्रूप से दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। Thank you.
समझने में नाम और नामी दोनों एक है, किंतु दोनों में परस्पर स्यामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्यामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने नाम राम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अवर्चनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई भी कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि को रख।
निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, ये दोनों ही अकथनीय अथा अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जनगढ़ इस बात को मुझ दास की चिड़ाई या केवल काव्योक्ति न समझे, मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण इस अप्रगट अग्नि के समान है जो काट के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण इस प्रगट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तोता दोनों एक ही हैं, केवल प्रगट अप्रगट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तोता एक ही हैं, इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और अनंत की धन राशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों को की बिगड़ी को बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुभाव से समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिवजी जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहाना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुरु की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। Thank you.
लक्षण दोनों को ही अपनी शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विजद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित जिन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया, राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है, यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री सिद्धि जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ राम चरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से सुनकर ग्रहण किया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मास परायण पहला विश्राम।